हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें फोर डिफरेंट केसेस दे रखी हैं लाइट इंसिडेंस की, है ना। फोर डिफरेंट केसेस दे रखी हैं लाइट इंसिडेंस की। और फ्रेंड्स, जिस एलिमेंट पे इंसिडेंट हो रही हैं वो ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, जिसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या है, 42 डिग्री है इन ऑल फोर केसेस, है ना, इन ऑल फोर केसेस। तो फ्रेंड्स, है ना, डायग्राम आपको शोन है, मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, है ना, तो फिर आपको सॉल्व करने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप डायग्राम खुद से देखो, हमें क्या करना है, हमें जो ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसका पाथ कंप्लीट करना है, है ना, पाथ कंप्लीट करना है और एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है, पाथ कंप्लीट करना है और एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है। तो पहले आप अपने से ट्राई कर लो क्वेश्चन को, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। तो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसका डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट केस में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट केस में हमें दे रखा है कि जो लाइट है ना, जो लाइट रे है वो 42 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है ना, 42 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, बस इतना ही दे रखा था फ्रेंड्स हमें, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, है ना, इसी पॉइंट पर जहाँ पर ये इंसिडेंट हो रही है। तो फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना, नॉर्मल 90 डिग्री का होगा, और ये 42 है तो ये कितना होगा, ये 42 है तो ये 48 होगा, है ना, ये 48 होगा तभी ये 90 कंप्लीट होगा, तो ये 48 है। अब फ्रेंड्स, अगर ये 48 डिग्री का एंगल है, है ना, और इस ग्लास का, है ना, इस ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, 42 डिग्री, है ना, 42 डिग्री, तो ये 48 क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, है ना, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा अगर ये, है ना, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है, यह रेयरर मीडियम है, एयर है, है ना, ये एयर है, ये ग्लास है, तो क्या हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो TIR हो गया। अब TIR होगा तो जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई है, दैट इज़ 48, है ना, उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगी, दैट इज़ 48, तो ये 48 से 48 डिग्री पर, 48 डिग्री से इस सेकंड सरफेस पर, है ना, इंसिडेंट होगी, यहाँ 48 बनाएगी, 48 कैसे बनाएगी, यहाँ इस नॉर्मल से 48 बनाएगी, है ना, इस नॉर्मल से ये जेड बन रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ पर ये जेड बन रहा है, तो ये 48 है तो ये भी 48 होगा। इसको आप दूसरी तरह से देख सकते हो, है ना, इसको ऐसे ज्वाइन करो तो ये 90 है, ये 48, ये 90, तो ये 42, ऐसे भी इसको देख सकते हो। अब ये कैसा एंगल है 42, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर का एंगल है, क्रिटिकल एंगल के बराबर का एंगल है, तो ये जो इंसिडेंट रे है, है ना, ये क्या करेगी, ये ग्रेजिंग इमरजेंस, है ना, ग्रेजिंग इमरजेंस फॉलो करेगी, है ना, यानी कि नॉर्मल से 90 डिग्री पर बाहर निकलेगी, नॉर्मल से 90 डिग्री पर बाहर निकलेगी, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस, है ना, ग्रेजिंग इमरजेंस। ऑल राइट, अब सेकंड केस में देखिए क्या होगा। सेकंड केस में हमें बोल रखा था कि ये जो ट्रायंगल है, है ना, ट्रायंगल है ये 90 डिग्री का है और ये दोनों एंगल 45-45 के हैं, है ना, 45-45 के हैं, और एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी 90 डिग्री पर, तो ये लाइट रे जब 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी तो ये इसका जो है यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये सीधे अंदर चली जाएगी, तो ये सीधे अंदर चली गई
तो ये जो सेकंड इंटरफेस है ना, ये एयर का, ये बाहर एयर है और ये अंदर, बाहर एयर है अंदर ग्लास है ना, अंदर ग्लास है, बाहर एयर है अंदर डेंसर है। एनीवे तो यहाँ इस सेकंड इंटरफेस पर इंसिडेंट होगी, ये 90 है ना, ये 90 है, ये 90, ये 45, तो ये 45 है ना, ये 45, ये 45, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे है ना, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45, ये हो जाएगा 45। अब ये 45 है, इसका क्रिटिकल एंगल 42 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर TIR हो जाएगा, यहाँ पर TIR हो जाएगा। तो ये 45 पे आई थी और 45 पे चली जाएगी, तो ये 45, तो ये 45, तो ये टोटल एंगल 90 है ना, तो ये यहाँ ऐसे आई थी और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधे चली जाएगी है ना, तो ये एंगल 90 रहेगा यहाँ पर, तो किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। तो इसका एंगल यहाँ इस फर्स्ट केस में एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है, एंगल ऑफ इमरजेंस नॉर्मल से कैलकुलेट करते हैं है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस नॉर्मल से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर ये कितना है 90 डिग्री है ना, कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर कितना है एंगल ऑफ इमरजेंस, ये नॉर्मल के अलॉन्ग है तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है 0 डिग्री है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है 0 डिग्री। अब थर्ड केस में आओ, थर्ड केस में हमें जो ट्रायंगल दे रखा है ना, उसका जो ये वर्टिकल एंगल है वो कितना है 30 और जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो कितना है 60 है ना, और ये 90। अब ये 30 डिग्री एंगल वाले इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रही है रे है ना, परपेंडिकुलरली है ना, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो बिना रिफ्लेक्शन के सीधे अंदर चली जाएगी और 30-60 है ना, 30-60 वाले इंटरफेस पर इंसिडेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे है ना, पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ये 90 से आई है ना, ये 90 से आई है, ये 30 है, ये 60, ये 60, तो ये कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 30 हुआ। अब ये जो 30 है ना, ये 30 जो है ये कम है क्रिटिकल एंगल से, कम है क्रिटिकल एंगल से, तो ना ही TIR होगा और ना ही ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा रिफ्रैक्शन, इसका होगा रिफ्रैक्शन। यहाँ पर हमें ग्लास, यहाँ पर ग्लास दिया, ग्लास दे रखा है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2, और हम क्या करेंगे स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू वन साइन वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे म्यू जी साइन 30 है ना, म्यू जी साइन 30 इक्वल टू म्यू ए साइन आर है ना, म्यू ए साइन आर, तो म्यू जी साइन 30 इक्वल टू म्यू ए साइन आर, म्यू जी कितना है 3/2, साइन 30 कितना है 1/2, म्यू ए कितना है 1, साइन आर क्या है कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 और ये 1 साइन आर हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4, आर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4, जिसकी वैल्यू होती है फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेटली 49 डिग्री है ना, 49 डिग्री, तो ये आर क्या हो जाएगा 49 डिग्री, या फिर एंगल ऑफ इमरजेंस जो है उसको हम क्या बोलें 49 डिग्री। अब फोर्थ केस में क्या दे रखा है हमें, फोर्थ केस में इस 60-30 वाले इंटरफेस पर, 60 डिग्री और 30 डिग्री वाले इंटरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलरली है ना, लाइट इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलरली, तो क्या करेंगे, क्या होगा, ये लाइट सीधा अंदर आ जाएगी है ना,
बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधा अंदर आ जाएगी 6090 वाले इंटरफेस पर, है ना, 6090 वाले इंटरफेस पर। तो यहाँ पर ये लाइट इंसिडेंट हुई, अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये 90 है, ये 90 हुआ, ये 60 है तो ये 30 हुआ, ये 30 है तो ये 60 हुआ, है ना, ये 60 हुआ। अब देखो फ्रेंड्स, ये 60 है, है ना, 60 है, इंसिडेंट एंगल कितना है 60 है, और ये 60 ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल कितना था 42 डिग्री, क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री, और ये कितना है 60, तो क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, है ना, TIR हो जाएगा। जितने पर आई है इंसिडेंट रे, है ना, नॉर्मल से 60 डिग्री पर आई है तो नॉर्मल से 60 डिग्री पर चली जाएगी, नॉर्मल से 60 डिग्री पर चली जाएगी। तो ये 60 डिग्री, नॉर्मल से 60 डिग्री, और ये रे यहाँ पर आ गई 90 और 30 डिग्री के इंटरफेस पर, है ना, 90 डिग्री और 30 डिग्री वाले इंटरफेस पर। तो ये 60 है ना, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 30। अब ये क्रिटिकल एंगल से छोटा है, ये 30 क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो क्या होगा, ये जो रे है ना, ये बाहर निकलेगी, ये जो रे है ये बाहर निकलेगी। अब इसको सीधा जाना चाहिए था इस तरह, है ना, इसको सीधा जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, है ना, इसको ये क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, है ना। तो इसका आर क्या है, ये क्या है आर, या फिर आर भी ना लिखो, एंगल ऑफ इमरजेंस लिखो, है ना, क्या लिखो, एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये कितना है, इसको कैलकुलेट कर लो ना, इससे कैलकुलेट कर लो, यही वाला कैलकुलेशन आएगा, है ना, म्यू जी साइन 30 इक्वल टू म्यू ए साइन आर, यही वाला जो है कैलकुलेशन आएगा। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, 49 डिग्री, है ना, 30 पे इंसिडेंट हुआ और 49 पे एमर्ज हुआ, एंगल बढ़ गया, है ना, एंगल बढ़ गया, रेयर डेंसर टू रेयर में क्या हुआ, एंगल बढ़ गया, 30 पे आ रहा था 49 पे निकला। तो यही चीज़ें हमें इसमें सीखनी थी फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।